गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी की 24 सितंबर का एग्जाम देखेंगे, इसकी फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, इनकी क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आए और क्या पैटर्न्स में चेंज है अगले दिनों से। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो और हो चुका हो, चाहे इसका एग्जाम आने वाले दिनों में हो। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी या एक लिंक मिलेगी। ठीक है, उस लिंक पे जाकर आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी पीडीएफ्स ये होती हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो भी मैं डाल देता हूँ वहां पर। पीडीएफ्स तो मिलेंगी मिलेंगी और आपको न्यूज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए इस बता दें, इस पेपर में देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस नहीं अगर मैं बोलूँ तो करंट अफेयर थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है। ठीक है, देखिए देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने किस सब्सिडी वाली पावर योजना शुरू की। ठीक है, तो अभी कौन सी ऐसी योजना शुरू करी थी हाल ही में, तो देखिए बता दूं, मध्य प्रदेश ने एक संबल योजना करके एक संबल योजना शुरू करी थी। उसमें बहुत सारी अलग अलग योजनाएं थी, बिजली माफी थी। ठीक है, और किसानों के लिए कुछ योजनाएं थी। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी इसके अंदर योजनाएं थी, तो उस योजना को हम अगर नाम दें तो संबल योजना है। ठीक है, उसका नाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेविज टीके की खोज किसने की, तो लुईस पाशर ने रेविज की टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हमें हमसे पूछा था, एक फॉर्मूला पूछा था, कैफिन का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो कैफिन का रासायनिक सूत्र होता है C8H10N4O2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 किसने जीता, तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कोयम्बटूर किस नदी के किनारे स्थित है, कोयम्बटूर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है नियोला, कौन सी, न्यो नोयल नोयल। ठीक है, इस करके इसका नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल बिंड समिट, क्या ग्लोबल बिंड समिट 2018 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था हैमबर्ग जर्मनी में। कहाँ पर? हैमबर्ग जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ये पूछ लिया है, तो उनका नाम है राम नाइक, क्या नाम है? राम नाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 किस दिन किस शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए अभी भारतीय प्रवासी दिवस से क्वेश्चन आया था, अब भारतीय प्रवासी दिवस 2019 में किस शहर में किया जाएगा ये पूछ लिया है, तो किया जाएगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, अब देखिए देखते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैथ में जो क्वेश्चन पूछा था, इस बार एक नया सा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देखिएगा, हमको दिया था x+1y x। ठीक है, और हमें वैल्यू दी थी 3। ठीक है, ओके, वैल्यू हमें कोई भी दी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ हम इसको फॉर्मूले से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, हमसे पूछा था x²-1/x²। ठीक है, अब जब हमें दिया तो इस x² का क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है p²-2। अगर हमें माइनस में पूछा जाए तो माइनस लगाना है, प्लस में पूछा जाए तो प्लस लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो p का मतलब होता है 3, और इसमें फॉर्मूले रखेंगे तो हमारा पास आ जाएगा आंसर 7। क्या जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2000 रुपये पर एक सही 1/2 बर्स, यानी कि एक सही 1/2 बर्स। ठीक है, यानी 1.5 बर्स में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम पहले 2 वर्ष का, देखिए पहले ऐसे करके एक ऐसे ऐसे करके लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इस 2000 का कितना परसेंट, 10% निकालिए, 2000 का 10% कितना होगा? 200 होगा, यहाँ पे 200 लिख लीजिए। ठीक है, अब इस 200 का, 10% कितना होगा? 20% होगा। अब ये जो है 1 साल का और 2 साल का है। ठीक है, अब दूसरी साल जो 1 साल तो हमें पूरा लेना है, लेकिन दूसरे साल है उसे आधा लेना है, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, नीचे दिख रहा होगा। तो ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर 200, मैंने 200 लिख लिया है, यहाँ पर कितना है 200 है। ठीक है, यहाँ पर 200+100+10, तो 310 आ जाएगा हमारा। इसी सिंपल तरीके से इससे शॉर्ट टेक आई थिंक नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल शॉर्ट टेक है। ठीक है, ये पूरा क्या है? ब्याज है। ये पूरा क्या है? ये ब्याज है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? ब्याज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वापस आती है, मतलब एक कार जो है पहले जाती है उसी वही कार जो है वापस आती है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो औसत चाल क्या होगी, मतलब डिस्टेंस इक्वल है तो औसत चाल पूछिए, तो हमारे पास फॉर्मूला था ए इंटू बी ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू सी ए इंटू ऐसे करके एक फॉर्मूला अपन डी अपॉन बी, देखिए 2ab/a+b ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ए बराबर हो गया पहली चाल, बी बराबर हो गया हमारा दूसरी चाल, ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमारे पास 24 किलोमीटर प्रति आवर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हमें दिया है sin 2 थीटा दिया है और 3y√3y2 दिया है, ठीक है। हमसे हमें निकालना है sin 3 थीटा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें पता है sin 60 बराबर √3/2 होता है, ठीक है, हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद हमें पता है, देखिए हम ये 60 के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना जाएगा 4, ठीक है। ठीक, इंटू करने के बाद हमारे पास देखिए ये इंटू करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ दो दो वैल्यू लेनी है, इसको भूल जाइए, इसको इसको वैल्यू लेनी है क्योंकि हमें थीटा निकालना है, ठीक है। ओके थीटा निकालेंगे तो हम इसको इसमें इंटू करेंगे, करने के बाद देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, थीटा आ जाएगा, हमारे पास 30 30 थीटा इसमें रखेंगे, किसमें साइन किसमें रखेंगे, 30 थीटा रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, थीटा के बराबर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास साइन बराबर साइन तुम्हारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, 5 रुपये मैं 8 की दर से नींबू बेचने पर, मतलब 5 की दर से ऐसे लिख लीजिए, 5 रुपए की दर से 8 नींबू बेचने पर, ठीक है, 20% की हानि होती है, हानि हो रही है तो यहाँ पर 80 लिख लीजिए, ठीक है। तो उन्हें 12% लाभ कमाने के लिए कितनी दर पर नींबू बेचने पड़ेंगे, 12% यानी 112% लाभ चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूले को बना लेंगे, ड्राइव करेंगे, और आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या वो छोड़नी है, बाकी ऊपर ही काटनी है, ठीक है, कट रही है, पॉइंट में नहीं लाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 7 रुपए में 8 नींबू की दर से ये अब बेचना 80 है आएगा, और 12% की लाभ तब मिलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, 2 पाइप दिए हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप ए इसे उसे दो उसे क्या यहाँ पर कितना है 24, ठीक है, कितना है 24 है, ठीक है, वो 24 है, ठीक है, 24 कर लीजिएगा, उसे 24 मिनट में भर सकते हैं, पाइप भी अकेले उसे कितने मिनट में भरेगा, तो देख ए प्लस बी हमें दिया है, बी ए दिया है हमें, इसका हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 120 भाग लगाएंगे 6+ आएगा, यानी कि खाली नहीं कर रहा भर रहा है, खाली करता तो माइनस लगाते हम, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज देख लिए, प्लस लगाया तो प्लस यानी भर रहा है, यहाँ पर प्लस लगाया यानी भर रहा है, यानी कि हमें पता है ए प्लस बी की स्पीड आ गई है कितनी 6 और ए की स्पीड 5, तो बी की स्पीड कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई बी अकेला निकालना है तो बी 1 120 टोटल कितना काम है 120 है, और कितना बी ए कितना कर रहा है 1, ठीक है, स्पीड कितनी 1 है, तो कितने कितने मिनट आ जाएंगे 120 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन में देखिए इतना सिंपल तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक थे क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए हमसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा, सी डी ठीक है अपॉन पी क्यू समानुपाती जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी और पी देखिए पी और देखिए सी और ये जो दिया है आपको, सी और पी में आपको एक समानता मिलेगी, 13+ हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और डी और क्यू में एक समानता मिलेगी, यहाँ भी 13+ हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी 13+ हो रहे हैं, यहाँ भी 13+ हो रहे हैं, ऐसे करके हम अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आंसर टी क्यू, क्या जाएगा टी सॉरी टी यू हमारे पास आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 जनवरी 2011 को बृहस्पति बार था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 जनवरी 2011 को बृहस्पति बार था, 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हर साल में एक बार एक दिन बढ़ता है, ये सिंपल वर्ष होता है, अगर लीप वर्ष है 2 दिन बढ़ेंगे, तो देखिए 2011-12 में 2 बढ़ेंगे क्योंकि लीप वर्ष है, और 1 बढ़ेंगे एक दिन में, ठीक है। तो ये 3 दिन हमारे पास हो गए और बृहस्पति बार ऑलरेडी है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, 5 जनवरी 2013 तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, 5 जनवरी 2013 तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, 5 जनवरी 2013 तक नहीं पहुंचना है, 1 जनवरी पहुंचना है, ठीक है। तो भाई 4 दिन हम माइनस करेंगे रविवार में से, तो हमारा क्या जाएगा, बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नंबर सीरीज कुछ देखिए नंबर सीरीज देखिए
सॉरी 60 80 95, 95 105, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, देखिए 20 प्लस हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, और 5 प्लस होने के बाद हमारा आ जाएगा 110। इसके बाद क्या जाएगा, कुछ प्लस नहीं होगा, ये फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर आंसर है 110, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, 6:10 बजे घड़ी में सुई के कांटों के बीच कितना कोण होगा, सुई के कांटों के बीच कितना कोण होगा यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो पूछा है का मतलब ये कि हमें पता है 11 11/2 एक फॉर्मूला आता है, 30 × आवर, ठीक है। देखिए मिनट दिए हमें कितना, 10, ठीक है, 10 मिनट दिए हैं और आवर दिए हैं 6 × करेंगे, ये आएगा 55 यहाँ से, और ये आएगा हमारा कितना 180, माइनस करेंगे 125 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके आई थिंक ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हुई, कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कितने क्वेश्चन छूट गए हैं, और थर्ड शिफ्ट जो आती है हम उसमें सारे क्वेश्चन ले लेते हैं जितने आप कमेंट में करते हैं या फिर मुझे मिलते हैं, ठीक है। जितने अभी क्वेश्चन मिले उतने को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक का बटन भी क्यों दबा दीजिए, क्योंकि देखिएगा लाइक का बटन दबाएंगे तो मेरी मेहनत का फल मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेहनत आपको कैसी लग रही है भाई, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जगह से देखने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर मिल भी जाते हैं तो वैल्यूज जो होती हैं वैल्यूज सही नहीं मिलती हैं, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है कि भाई एग्जैक्टली नहीं है, तो एग्जैक्टली तब होगा जब वो वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी मुझे, ठीक है। वैल्यू अगर दो अगर कहीं भी हो जाती है तो पॉइंट में कहीं आंसर आता है या फिर आंसर नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कभी कभी वैल्यू जो मैथ को रीजनिंग की वो वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एक दोपहर में एक वीडियो डलेगी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी देखिएगा, ठीक है। देखने देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो का, कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।